गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर मैथ्स बुक एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट चैप्टर फर्स्ट, नंबर्स अप टू थाउजेंड। नंबर्स अप टू थाउजेंड, टुडे टॉपिक इज कंपेयरिंग नंबर। नाउ विल डिस्क्राइब कंपेयरिंग नंबर। नंबर्स Comparing two number means finding whether one number is greater than or less than or equal to the other number. दो number को compare करने के लिए हमें पहले एक number को दूसरे number से greater than, less than or equal to check करना होता है। दो number दिए गए होते हैं, हमें पहले number को दूसरे number से number greater है, less है या equal है ये देखना पड़ता है। नाउ फर्स्ट रूल, नंबर्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट। पहले हम दो रूल होते हैं कंपेयरिंग नंबर के, पहले वो रूल है नंबर्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट। दो डिफरेंट नंबर के डिजिट को कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे डिफरेंट करते हैं और कैसे पता करते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। इफ़ टू नंबर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट, दो नंबर अगर डिफरेंट नंबर टू डिजिट थ्री डिजिट के हैं, देन द नंबर विद द ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट इज ग्रेटर। दो नंबर थ्री नंबर थ्री डिजिट्स ऑफ नंबर एंड टू डिजिट्स ऑफ नंबर, दो नंबर में डिजिट चेंज होते हैं। अगर फर्स्ट नंबर आपका तीन डिजिट का है, सेकंड दो डिजिट का है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है। देन द नंबर विद द ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट इज ग्रेटर। फर्स्ट नंबर को जो थ्री डिजिट का नंबर होगा वो हमेशा ग्रेटर नंबर होगा। देन थ्री डिजिट नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन टू डिजिट नंबर्स। 215 and 216. Now this is now who is greater? 250 are greater because this is three digits of number. Number having equal number of digit. अगर दो number equal digit के हैं, second rule is number having equal numbers of digit. अगर दो number equal digit के हैं तो हम कैसे compare करेंगे, तो हम कैसे दोनों को कंपेयर करेंगे। देन फर्स्ट रूल इज इफ टू नंबर्स हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट देन द नंबर विद बिगर डिजिट ऑन द सेम प्लेस इज ग्रेटर। दो नंबर दिए गए हैं इक्वल नंबर डिजिट के, दो इक्वल डिजिट दी गई है, इक्वल डिजिट के नंबर दिए गए हैं, तब हम उसमें बिगर नंबर ऑफ डिजिट सबसे बड़े डिजिट को सेम प्लेस को ग्रेटर करेंगे, चेक करेंगे। कंपेयर द नंबर 163 एंड 434। पहले एक कॉलम बनाएंगे वंस टेंस हंड्रेड का, 163 एंड 434। नाउ हंड्रेड प्लेस, नाउ कंपेयर द हंड्रेड्स प्लेस। हम हंड्रेड्स प्लेस को कंपेयर करेंगे, सो 163 में हंड्रेड प्लेस इज़ वन एंड 434 में हंड्रेड डिजिट इज़ फोर। हंड्रेड इज़ लेस देन 400, हंड्रेड हमेशा 400 से छोटा है, सो 163 इज़ लेस देन आर 434 इज़ ग्रेटर देन 163 बिकॉज 100 प्लेस वैल्यू ऑफ 163 इज इक्वल 100 प्लेस 1 एंड 434 100 प्लेस इज 4, सो 434 इज़ ग्रेटर देन 163। नाउ दिस इज सेकंड रूल, इफ द डिजिट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट ऑन द नंबर्स आर इक्वल देन द डिजिट टू डिजिट ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट आर कंपेयर एंड सो ऑन। हम पहले नंबर को हम लेफ्ट साइड से नंबर को इक्वल करते हैं, कंपेयर करते हैं, देन राइट साइड से लेफ्ट डिजिट को कंपेयर करते हैं। इस तरह कंपेयर द नंबर्स ऑफ 483 एंड 434। नाउ दिस इज अ कॉलम वंस टेंस हंड्रेड्स 483 एंड 434। फर्स्ट कंपेयर, पहले हंड्रेड का हंड्रेड प्लेस कंपेयर करते हैं, देन टेंस प्लेस कंपेयर करते हैं, देन वंस प्लेस कंपेयर करते हैं। कंपेयर द हंड्रेड प्लेस, 483 में हंड्रेड प्लेस इज़ फोर एंड 434 में हंड्रेड प्लेस इज़ फोर। नाउ 400 इज इक्वल टू 400, हंड्रेड प्लेस वैल्यू इज इक्वल, सो आई विल नॉट डिसाइडेड हु नंबर इज ग्रेटर देन टेंस प्लेस। देन कंपेयर द टेंस प्लेस, टेंस प्लेस 483, टेंस प्लेस इज 8, 434, टेंस प्लेस इज 3। तो सो 80 इज ग्रेटर देन 30, 483 टेंस प्लेस इज 80 एंड 434 इज टेंस प्लेस इज 30। नाउ 180 इज ग्रेटर देन 30, देयरफॉर 483 इज ग्रेटर देन 434।
इफ द डिजिट एट बोथ नंबर्स 100 एंड 10 आर प्लेस आर सेम, यदि दोनों नंबर 100 एंड 10 दोनों नंबर सेम है, दोनों प्लेस सेम है, देन वी कंपेयर डिजिट एट द वन प्लेस. 100 प्लेस सेम है, 10 प्लेस सेम है, देन वी कंपेयर द डिजिट एट द वन प्लेस. फिर हम उसके वन प्लेस को कंपेयर करेंगे. इफ 483 100 प्लेस आर सेम 10 प्लेस आर डिफरेंट, सो 483 इज ग्रेटर देन 434 एंड वी हैव 400 प्लेस इज सेम एंड 10 प्लेस आर आल्सो सेम, देन वी कंपेयर द डिजिट एट द वन प्लेस. दिस इज योर क्लास असाइनमेंट. कलर द बॉक्स विद द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रीन एंड विद द ग्रेटेस्ट नंबर आर रेड. दिस इज योर 12, 70, 15 and 20. स्मॉलेस्ट नंबर को ग्रीन कलर से रेड करेंगे, कलर करेंगे ग्रीन, रेड ग्रीन कलर से रेड करेंगे, कलर करेंगे एंड 20 प्लेस को रेड कलर से कलर करेंगे. सो दिस इज़ योर क्लास असाइनमेंट. दिस इज़ योर होम असाइनमेंट. फिल इन द ब्लैंक. सितंबर इज द मंथ ऑफ द ईयर, द फोर्थ डे ऑफ द वीक, द सिक्स कलर इन द रेनबो is the 11th month of the year, today is the day of the week. This is your home assignment. The dogs are in the race, the color of the second dog green, the color seventh dog brown, the color fifth dog yellow, the color first dog pink, the color sixth dog orange, the color third dog blue, the color fourth dog purple. दिस इज़ योर होम असाइनमेंट. आपको ये कम्प्लीट करना होगा SW की कॉपी में एंड होम क्लास असाइनमेंट मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी. थैंक यू.